हेलो दोस्तों, साइंस पावर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में प्रतिशत संगठन का एक टॉपिक पढ़ेंगे। तो दोनों देखना दोस्तों, हमारे पास ये टॉपिक, सबसे पहले आप टॉपिक का नाम लिखना। टॉपिक का नाम है प्रतिशत संगठन। इसे परसेंटेज कंपोजिशन भी बोलते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन। ये आज का हमारा टॉपिक है। तो देखो दोस्तों, हमारे पास जो अणु होते हैं, अणुओं के अंदर परमाणु पाए जाते हैं। तो अणु में उपस्थित जो परमाणु होते हैं, उनका प्रतिशत संगठन हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो देखना, यही हमारा टॉपिक होगा। तो सबसे पहले अणु में उपस्थित परमाणुओं का संगठन निकालने के लिए हमें एक सूत्र को ध्यान रखना है। उसी सूत्र की सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं, अणु में उपस्थित परमाणुओं का प्रतिशत संगठन। तो सबसे पहले लिखो आप प्रतिशत संगठन निकालने का सूत्र। तो देखना दोस्तों, ये हमारे पास ये जो सूत्र होता है, ये हमारे पास सूत्र क्या होता है, परमाणु का कुल द्रव्यमान गुणा 100 बटे में अणु भार। ये आपके पास क्या है दोस्तों, अणु में उपस्थित किसी भी परमाणु का प्रतिशत संगठन निकालने का सूत्र। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं इस सूत्र में अणु भार है, तो हमें जो अणु भार निकाल किस तरीके से निकाला जाता है, ये परमाणु भार क्या होता है, अणु भार क्या होता है, इसका मैंने वीडियो पहले बना दिया है। एक बार उन वीडियो को देखना, उसके बाद में ये टॉपिक आपको आसान तरीके से समझ में आएगा। तो देखो दोस्तों, हम इस चीज़ को, इस पॉइंट को समझते हैं एक एग्जांपल लेकर के। सबसे पहले आप ये सूत्र देख लो, इस सूत्र को उतार लीजिए, इसके बाद में हम लेते हैं एग्जांपल। तो दोस्तों, आपने उतार लिया होगा, तो देखना दोस्तों, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। एग्जांपल मान लीजिए दोस्तों, मैंने लिया CO2। क्या लिया, CO2। तो मुझे अब CO2, हमारे पास एक अणु है, परमाणु की संख्या इसमें कितनी है, 3 है, एक कार्बन का परमाणु है और 2 ऑक्सीजन का। मान लीजिए इनमें से मुझे कार्बन का क्या निकालना है, प्रतिशत संगठन। तो लिखो कार्बन का प्रतिशत संगठन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, हमारे पास पहले परमाणु का कुल द्रव्यमान, तो देखो सबसे पहले, और देखो ये नीचे लिख रखा है अणु भार, किसी भी परमाणु का प्रतिशत संगठन यदि आपको निकालना है, तो आपको अणु का अणु भार भी निकालना आना चाहिए। उस यदि अणु भार नहीं आएगा तो प्रतिशत संगठन आप नहीं निकाल सकते। अणु भार का वीडियो एक बार आप पीछे देखना, जो मैंने बना रखा है उसको देखना, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखना, अणु भार सबसे पहले देखो, यहाँ लिख रखा है अणु भार, इसका मतलब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले CO2 का क्या निकालते हैं, अणु भार निकालते हैं, CO2 का अणु भार। तो सबसे पहले अणु भार से पहले आपको पता होना चाहिए कि कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है। तो देखना, कार्बन का जो परमाणु भार होता है वो 12 होता है, ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है वो 16 होता है। अब देखो यहाँ पर अणु भार कैसे निकालेंगे, कार्बन का एक ही परमाणु है, तो एक गुणा कार्बन कितना है, 12 प्लस ऑक्सीजन कितने, यहाँ पर 2 गुना ऑक्सीजन कितना है, परमाणु भार कितना होता है, 16। इसको हल करो तो आएगा 12 प्लस 16 दूनी 32, हल किया 44। तो ये है हमारे पास CO2 का क्या आ गया, हमारे पास अणु भार आ गया। तो दोस्तों ये आ गया। अब देखो यहाँ पर लिख रहेगा प्रतिशत संगठन, मान लीजिए हमें किसका निकालना है, कार्बन का। तो इस कार्बन का निकालना है, तो कार्ब यहाँ लिखना है परमाणु का कुल द्रव्यमान, जिस परमाणु का हमें प्रतिशत संगठन निकालना है उसका क्या लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे ऊपर, कुल द्रव्यमान यानी कुल भार लिखेंगे। तो देखो कार्बन का निकालना है, तो कार्बन का देखो, कार्बन का भार कितना है, यानी कार्बन परमाणु है उसका कुल द्रव्यमान कितना है हमारे पास, 12 है, क्योंकि देखो कार्बन का ये हमें चाहिए, कार्बन का ये है, तो यहाँ लिख दो 12 गुणा में क्या आएगा,
100 और बटे में क्या आएगा, अणु भार कितना है, अणु का अणु भार कितना है हमारे पास 44। इस तरीके से एक बार दोस्तों इसको हल करो, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आगे देखना। तो दोस्तों एक बार हल करना इसको, देखना हल करेंगे तो क्या होगा, हल करेंगे तो देखना, सबसे पहले हल करेंगे, देखो इसको काटो, 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 3 6, 2 1 2, 2 1 2 कितना आ गया, 300 × 11। जब दोस्तों हमें इसको हल करेंगे तो हमारे पास, इसको हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 27.27%। तो हमारे पास कार्बन का परसेंटेज कितना आ गया, कार्बन का परसेंटेज अणु में कितना है, 27.27। तो एग्जाम्पल मान लीजिए दोस्तों, हमारे पास एग्जाम्पल है किसका होगा, मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल ले लिया हमने, जल का ले लिया H2O। अब देखना दोस्तों इसमें क्या होता है, तो सबसे पहले सूत्र क्या था, प्रतिशत संगठन का, परमाणु का कुल द्रव्यमान, और गुणा में क्या था, 100, और भाग्य अणु भार। अब देखो जल, तो जल का यहाँ पर निकालो, सबसे पहले अणु भार चाहिए, तो जल का अणु भार, तो जल का अणु भार में देखना, सबसे पहले कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। तो इस प्रकार से निकाल लो, सॉरी यहाँ से कार्बन नहीं है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है कितना, 1, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। तो यहाँ से अणु भार निकालो, तो अणु भार निकालेंगे तो अणु भार को कैपिटल M से प्रदर्शित किया जाता है। देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 2, गुणा में भार कितना है, 1, प्लस ऑक्सीजन कितना है, 1, तो 1 गुणा भार कितना है इसका, ऑक्सीजन का 16। इसको हल करो तो 2 + 16 हल किया तो क्या आ गया, 18 अणु भार हमारे पास आ गया। तो देखो मान लीजिए दोस्तों हमें किसका निकालना, हाइड्रोजन का प्रतिशत निकालना, तो यहाँ लिखेंगे हाइड्रोजन का प्रतिशत। तो देखो हाइड्रोजन जो परमाणु है, उस हाइड्रोजन परमाणु का कुल द्रव्यमान कितना होगा, देखो H कितने हैं, H हमारे पास 2 हैं, तो एक H का जो द्रव्यमान होता है वो 1 होता है, हाइड्रोजन 2 हैं, इसका मतलब कितना हो गया, कुल द्रव्यमान 2 हो गया ना, H का एक H का 1 होता है, तो H2 हैं, इसका मतलब 1 × 2 = कितना आ गया, 2। इस प्रकार से तो इसका मतलब परमाणु का कुल द्रव्यमान, हाइड्रोजन जो परमाणु है उसका कुल द्रव्यमान कितना आ गया हमारे पास, 2 आ गया। तो 2 गुणा में क्या आएगा, 100, और अणु भार किस, 18। हल करो इसको एक बार, इसको काटो, 2 × 2, 2 × 9, 18, यानी 100/9। इसको हल करो, देखो क्या आता है। तो जब इस हल करेंगे तो हमारे पास आएगा दोस्तों 11.11%। तो देखा दोस्तों हमारे पास जल का अणु है, उस जल के अणु में हाइड्रोजन का प्रतिशत संगठन हमने किस तरीके से ज्ञात किया है। मान लीजिए दोस्तों आगे ज्ञात करें ऑक्सीजन का, तो लिखो ऑक्सीजन का निकालना है, तो ऑक्सीजन में देखो ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का कुल द्रव्यमान कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है परमाणु भार 16, इसका मतलब इसका कुल द्रव्यमान, क्योंकि ऑक्सीजन देखो ऑक्सीजन एक ही है, इसका मतलब इसका कुल द्रव्यमान होगा 16। तो रखो इसका यहाँ पर 16 गुणा में क्या करेंगे, 100 भाग्य में अणु भार, जल का अणु भार कितना है टोटल, 18। काटो इसको, 2 × 9 = 18, 2 × 8 = 16। अब इसको हल करो, यानी 800/9। इसको हल करके देखो, 800/9 को हल करोगे तो कैसे आएगा, हमारे पास हल करेंगे तो इसको आएगा हमारे पास 88.88%। तो इस प्रकार से दोस्तों हम अणु में उपस्थित हर एक परमाणु का क्या निकाल सकते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत, सॉरी प्रतिशत संगठन, परसेंटेज कंपोजिशन निकाल सकते हैं। एक बार इसको उतारो, फिर अगला एग्जांपल लेते हैं। तो दोस्तों आपने उतार लिया होगा, अब देखना आगे, अब अगला एग्जांपल देखना। हमारे पास मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया, एग्जांपल मान लीजिए हमने ले लिया C6H6 का, बेंजीन का एग्जांपल लिया। तो देखो बेंजीन के एग्जांपल में सबसे पहले अणु भार निकालो इसका, बेंजीन का,
तो C6H6 का क्या निकालो, अणुभार। तो अणुभार निकालना, देखो कैसे आएगा, कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। इस प्रकार से देखो कार्बन की संख्या यहाँ पर कितनी है, 6 है, गुणा परमाणु भार कितना है 12, तो इसको 12 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 6, गुणा में 1 का होता है 1, परम 1 का 1 होता है बार। तो देखो हल करो इसको, 12 छिकी 72 और प्लस 6 कम 6 कितना आ गया, 78 आ गया ना। तो 78 क्या हो गया हमारे पास, C6H6 का अणुभार, तो अणुभार तो आ गया। अब देखो मान लीजिए हमें किसका निकालना है, कार्बन का प्रतिशत है, तो लिखो कार्बन का प्रतिशत निकालने के लिए यहाँ लिख रखा है कि परमाणु का कुल द्रव्यमान, जो कार्बन परमाणु उसका कुल द्रव्यमान कितना होता है। देखो एक कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है 12, तो 6 कार्बन का कितना हो गया हमारे पास 72 हो गया ना। तो लिखो 72 गुणा में 100 बटे में क्या आएगा, अणुभार कितना है 78 है, इसको काटो 2 से, 2 तिया 6, 2 नम 18, 2 तिया 6, 2 तिया 6 1, 2 छिकी 12। इसको हल कर लो, आप हल करोगे तो देखो क्या आएगा, 3 से काट लो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब देखो इसको हल करेंगे, यानी इसको हल किया तो आ गया 1200/13। अब 1200/13 को हल करेंगे तो कार्बन का प्रतिशत कितना आएगा हमारे पास, C6H6 में हल करो एक बार, देखो कार्बन का परसेंटेज क्या आएगा, कार्बन का परसेंटेज आएगा हमारे पास, इसको हल करेंगे तो आएगा 92.3%, इसको हल कर लेना, यही आएगा। अब देखो आगे हाइड्रोजन का निकालना है, तो हाइड्रोजन का प्रतिशत, तो हाइड्रोजन का प्रतिशत कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन देखो कितने हैं 6 हैं, एक का बाहर एक का जो द्रव्यमान होता है वो 1 होता है, तो 6 का कितना हो गया 6 हो गया, तो 6 गुणा 100 और बटे में क्या हो गया, पर अणुभार किसका अणुभार, बेंजीन का, तो देखो सी कितना होता है 78, तो 78 यहाँ रख दिया, हल करो इसको, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 नम 18, तो इसको हल करने के बाद में आएगा 300/19, हल करो इसको, जब 300/19 को हल करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, यह आएगा 7.69%। तो दोस्तों एक बार इसको उतारो, फिर एक और उदाहरण लेते हैं। तो दोस्तों आपने उतार लिया होगा, अब आगे देखना, एक और एग्जांपल लेंगे, एक और उदाहरण लेना, देखना। तो प्रतिशत संगठन तो क्या हो गया, प्रतिशत संगठन परमाणु का कुल द्रव्यमान, परमाणु का कुल द्रव्यमान गुणा में क्या करेंगे 100 और बटे में क्या लिखेंगे, अणुभार। अब देखो मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल मान लीजिए हमने CH4 ले लिया, CH4 अणु में कार्बन का प्रतिशत कितना है और हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है। तो सबसे पहले इसका अणुभार निकाल लो, CH4 का अणुभार निकालते हैं, तो कार्बन का परमाणु भार 12 है, हाइड्रोजन का होता है 1, तो इस तरीके से देखो कार्बन के एक है तो 1 गुणा 12 प्लस हाइड्रोजन है 4 गुणा में क्या करेंगे 1, हल करो इसको, कितना आ गया 12 प्लस 4 हल किया तो आ गया 16। इसका मतलब हमारे पास जो अणु है CH4 उसका अणुभार कितना आ गया 16 आ गया। अब देखो परमाणु का कुल द्रव्यमान मान लीजिए हमें निकालना है कार्बन का, तो लिखो कार्बन का प्रतिशत संगठन, देखो तो कार्बन का प्रतिशत संगठन निकालेंगे तो कार्बन परमाणु, देखो परमाणु का कुल द्रव्यमान, तो कार्बन का कुल द्रव्यमान कितना होता है 12 होता है, एक ही है, तो इसका मतलब यहाँ लिखेंगे 12 गुणा में 100 और बटे में क्या आएगा हमारे पास अणुभार 16। काटो इसको, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 2 50, 1 और ये 25, इसका मतलब जब हल करेंगे तो आएगा 75%। हमारे पास जो CH4 अणु है उसमें कार्बन का प्रतिशत कितना रहे 75%। इस प्रकार से दोस्तों आगे देखना, हाइड्रोजन का निकालना चाहें तो देखो एक बार मैं मिटा रहा हूँ इसको, हाइड्रोजन का कैसे निकालते हैं, तो हाइड्रोजन का देखना, तो हाइड्रोजन का प्रतिशत, तो देखो हाइड्रोजन कितने हैं,
यहाँ पर चार हैं। तो देखो एक हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होता है वन होता है, तो चार हाइड्रोजन का कितना हो गया वन इंटू फोर बराबर कितना होगा चार, तो फोर गुणा में क्या करेंगे सो बटे में क्या करेंगे अणुभार। देखो सी एच फोर का अणुभार कितना होता है सोलह, तो यहाँ काटो चार एकम चार, चार चौक सोलह, इसको काट दो दो पचास एक और ये पच्चीस, यानी कि 25%। तो हमारे पास देखा दोस्तों अणु में उपस्थित परमाणु का, अब यहाँ पर देखो सी एच फोर में जो हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिशत कितना गया 25%। तो देखा दोस्तों हमने किस तरीके से इजी तरीके से इनको निकालने का तरीका सीखा, बहुत ही आसान तरीका। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक है यहीं पर समाप्त होता है। तो दोस्तों कल एक फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। यदि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।